हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। डेबू को लेकर के एक शॉर्ट वीडियो मैंने क्रिएट किया था। चलिए आइए इसको थोड़ा और भी ज्यादा डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पर गेटवे ऑफ टेलीपर्फ्यूम कंपनी का नाम है के जनरल स्टोर। ठीक है, अब ये जनरल स्टोर है जरूर, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान लाइक कंप्यूटर के भी सामान मिलते हैं। तो ये जो है यहाँ पर अगर आपको डेबुक में जाना, देखिए डेबुक में जाने से क्या होता है, जो भी एंट्रीज आप पास करते हैं डेबुक में आपको दिख जाती है, ये क्लियर है। तो डेबुक में आप जाएंगे, दो बार डी प्रेस करेंगे, तो ये देखिए डेबुक आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप डेबुक में जाने के बाद अगर चाहते हैं कि सारी एंट्रीज हम देख पाए, अब यहाँ पे दो ही दिख रहा है क्योंकि डेट यहाँ पे 1 जुलाई दिख रही है, हो सकता है 1 अप्रैल में भी कोई एंट्री हुई हो, ठीक है, मई में हुई हो, जून में हुई हो, जुलाई में हो सकता है हुई हो। तो इन एंट्रीज को देखने के लिए हमको क्या करना होगा, तो आपको कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, ऑल्ट के साथ F2। तो जैसे ही ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे तो ये चेंज पीरियड वाला ऑप्शन आ जाता है। अब आपको यहाँ क्या करना है, 1/4/2021 डालना है। ठीक है, तो ये 1/4/2021 कर दिया, एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर करिए 31/3/2022। मतलब कि 1/4/2021 से 31/3/2022 तक की सारी एंट्रीज आपको दिख जाएंगी। अब ये सारी एंट्रीज आपको दिख रही है, ठीक है, यहां पर दिख रहा है ना सब सब एंट्री जो भी पास हुआ है। अब ये देख लीजिए सब क्रेडिटर पार्टी का एंट्रीज आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर कोई डेबिटर पार्टी होगी तो वो भी आपको दिख जाएगी, अगर आपने एंट्री पास की होगी सेम कंपनी में तो। ठीक है, यहां पर बाहर आ जाता हूं और एक बार हम चलते हैं कहां, वाउचर में। तो ये वाउचर में आ गए, अब हम चलते हैं सेल्स वाउचर में। तो थोड़ा सा सेल्स वाउचर में भी आ जाते हैं, ये आ गए सेल्स वाउचर में। यहां पर डेटर पार्टी की बात कर लेते हैं, तो एक नया डेटर पार्टी बना लेते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं लाइक पीपीडी का मतलब हो गया पीपी डेटर। ठीक है, तो ये कर लिया हमने और ये सैंडरी डेटर के ग्रुप पे जाएगा, तो यहाँ से आप सैंडरी डेटर चूज कर लीजिए, बस ये हो गया काम। अब एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, सारी डिटेल आप फिल कर लीजिएगा। ठीक है, एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर मोटर व्हीकल नंबर वगैरह किस चीज से डिस्पैच हो रहा है, किस चीज से जा रहा है, ये सारी चीजें आप फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हमारे पास है, डेस्कटॉप है, हार्ड डिस्क है। ठीक है, तो डेस्कटॉप के 10 नंबर्स बचे हुए हैं और हार्ड डिस्क के 20। तो यहां पर मैं क्या करता हूँ, हार्ड डिस्क ले लेता हूँ, 10 जो है सेल कर लेता हूँ। तो ये 10 सेल किया हमने और सेल कर रहे हैं कितने में, 7,000 रुपए में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जितने का आप खरीदेंगे उससे ज्यादा का ही तो सेल करेंगे, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे अभी ईबे बिल छोड़ता हूँ, ईबे बिल के लिए एक डिटेल में वीडियो अलग से क्रिएट करूंगा। ये हो गया, अब यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करा लिया हमने। ठीक है, अब ये कह रहा है कि डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स टू ईबे बिल जनरेशन। तो अभी फिलहाल हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है, तो इसको छोड़ दिया मैंने। तो ये सेल्स की भी एंट्री हो गई। अब चलते हैं वापस से कहां, यहाँ पर। अब यहाँ पर दोबारा डी प्रेस करते हैं, तो यहाँ आपको सेल्स की भी एंट्री दिखाई पड़ रही है कि नहीं, हालांकि 1 जुलाई डेट पड़ी हुई है। तो आप फिर क्या करिए, ऑल्ट के साथ F2 प्रेस कीजिए और यहाँ पर डेट चेंज कर लीजिए, 1/4/2021 टू, मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, 1/9/2021 कर देता हूँ। तो इन दोनों डेट्स के बीच में जो भी एंट्रीज पास हुई है वो सब आपको दिखाई पड़ेंगी। अब ये पीपीटी वाली एंट्री मैंने अभी पास की थी, तो ये भी आपको दिखाई पड़ रही है, दिखाई पड़ी है नहीं, ये बहुत इजी है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है वाउचर टाइप, तो आप F4 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, और खुलने के बाद क्या करना है आपको, खुलने के बाद मान लीजिए कि आपको कुछ एंट्रीज देखनी है, लाइक परचेज की एंट्री देखनी है, तो यहाँ पे परचेज पे जाइए और एंटर कर दीजिए आप, तो केवल आपको परचेज की ही एंट्रीज नजर आएंगी। ठीक है, ये बहुत ही कमाल का फीचर है। अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ सेल्स की एंट्री दिखाई पड़े तो यहाँ फिर वापस से वाउचर पे चले जाइए और यहाँ पर देखिए इसमें आपको सेल्स दिखाई पड़ेगा। तो ये देखिए ये सेल्स दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे सेल्स पे चले जाइए, एंटर कर दीजिए, सेल्स की एक ही एंट्री है तो एक ही दिखाई पड़ रही है। अगर आप और भी एंट्रीज बना लेंगे, लाइक देखिए यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये है, अब इस बार मैं क्या करता हूँ कैश में सेल करता हूँ, तो ये एंट्री पास कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से ये यहाँ पर अनरजिस्टर्ड आ गया है, यहाँ पे रेगुलर कर देंगे। और GSTIN नंबर अभी नहीं डाल रहा हूँ, आप डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर स्टॉक आइटम हमारे पास डेस्कटॉप मौजूद है, तो डेस्कटॉप यहाँ पे सेल कर देते हैं, तो डेस्कटॉप 5 सेल कर देते हैं। और एक की कीमत कितनी रखेंगे, एक की कीमत रखेंगे हम 55,000 रुपए, तो ये 55,000 रुपए में डेस्कटॉप हम सेल कर रहे हैं, ये हो गया हमारा। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे ईमेल बिल को अभी नो रखेंगे, एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा दिया, तो ये एक्सेप्ट हो गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पे अभी नो रखते हैं और यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे दोबारा डी प्रेस करेंगे तो ये देखिए दोनों ही सेल्स की एंट्रीज दिख रही है, क्योंकि जुलाई हुई है, लेकिन आपको सिर्फ सेल्स देखना है, तो परचेज भी दिख रहा है, देखिए ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करना है वाउचर टाइप के लिए, और यहाँ पर आ गया। और अभी हमें कहाँ जाना है, सिर्फ सेल्स लेना है, तो सेल्स
सेल्स पे चले जाइए, खाली सेल्स की आपको एंट्रीज दिखाई पड़ेंगे। तो ये देखिए केवल सेल्स की एंट्री दिखाई पड़ रही है, और आपको प्रिंट देना है यहाँ से, और के साथ पी प्रेस करके आराम से प्रिंट भी दे सकते हैं। ये देखिए मैं प्रिंट निकाल के दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरीके से आपका प्रिंट दिया जाएगा। तो ये बहुत ईजी है, आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।